जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ। गोपालगंज संसदीय सीट जहां भाजपा के खाते में था, वहीं इस बार 2019 में ये सीट जदयू के खाते में चले जाने के बाद स्थानीय लोगों में कई तरह के सवाल पैदा होने लगे थे, जिसको देखते हुए भाजपा सांसद जनक राम ने अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सीट भाजपा के पुश्तैनी सीट है, सही है, और भाजपा के कोटे में रहा है, लेकिन वर्तमान में यह सीट जदयू के कोटे में जाने से मुझे पहले की तरह वही खुशी है जिस तरह भाजपा ने मुझे 2014 में जिताकर सांसद तक भेजने का काम किया। उसी तरह गठबंधन में जदयू के भी प्रत्याशी आएंगे। उन्हें नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर, अपना एक एक मत देखकर जनता ने नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक चमार जाति का व्यक्ति कभी सांसद बनकर सांसद तक जाऊंगा, जिसे साकार किया है भाजपा। साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर भी हमला करते हुए कहा कि महागठबंधन के लोगों एक भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। हम प्रदेश के सिर्फ नेता और देश के सिर्फ नेता गोपालगंज जिला वासियों की तरफ से कोटि कोटि नंदन बंदन और बधाई देना चाहता हूँ कि कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि गोपालगंज जिला भारतीय जनता पार्टी की कोई सैनी सीट है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में रहेगा, लेकिन जब शीर्ष नेता प्रदेश और केंद्र के निर्णय लिया कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू के कोटे में गया है, तो जितना पहले खुशी थी उसी तरह आज जो खुशी कार्यकर्ता और पार्टी के सिर्फ नेता और जिला के सांसद होने के नाते मेरे अंदर भी ये खुशी है कि एनडीए गठबंधन राजो कोटे के जेडीयू खाते में गया है। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 14 में मुझे जिता करके भेजने का काम किया था, उसी तरह राजा गठबंधन के जेडीयू का जो भी व्यक्ति आएगा सिंबल लेकर के राजा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को देख करके अपना एक एक मत देख करके गोपालगंज जिला के जनता जनार्दन ने नरेंद्र मोदी जी को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। आप एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगिएगा? हाँ बिल्कुल, एनडीए प्रत्याशी हमारा देश का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, देश दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया, दबी कुचले लोगों का मान सम्मान बढ़ाया। मैं कभी सोचा नहीं था कि एक चमार परिवार में जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनूंगा, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाने का यह गौरव प्राप्त किया। मैं अपने आपके माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे एक गरीब परिवार के बेटा को सांसद बना करके एक इतिहास रचने का काम किया। आपके माध्यम से अपने समाज को फिर हम पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, गोपालगंज जिला वासियों को जो प्यार स्नेह मुझे मिला, वो प्यार स्नेह जब तक हम जिंदा रहेंगे गोपालगंज जिला वासियों को प्यार सन्ने हम जितना भरसक होगा हम देते रहेंगे, लेकिन गोपालगंज जिला वासियों को हम हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में राजा गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आता है अपना एक एक मत देकर के नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, ताकि महागठबंधन के लोग एक भ्रम की स्थिति फैला रहा है, गरीब गुरबा के वोट लेकर के जाति धर्म के नाम पर उन्होंने गुमराह करके और महागठबंधन ये गरीबों को वोट लेना चाहता है। हम आपके माध्यम से गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को ये बताना चाहते हैं कि गरीबों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के जो अधूरा सपना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, महात्मा गांधी जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का जो अधूरा सपना है, वो आने वाले दिनों में एक ही व्यक्ति है, महानायक, विश्व का गुरु जो बनने के सपना देख रहा है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने आस्था विश्वास रखते हुए आने वाले दिनों में 19 का जो चुनाव होगा एक एक मत देकर के राज्य गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके और फिर दोबारा हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जदयू के कोटे में सीट नहीं गया है, राजग का शीर्ष घटक दल जनता दल यूनाइटेड गोपालगंज में चुनाव लड़ रहा है, उसके कोटे में सीट गया है, जदयू को नहीं गया है, राजग का घटक दल को गया है। और हम हर संभव मदद करेंगे, चूंकि उनका भी ध्येय एक ही है नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, और हम तो उसी के लिए हम लोग काम ही कर रहे हैं, हम लोग पैदा ही उसी लिए हुए हैं कि भारत माँ को परम वैभव पर उसके शिखर पर पहुँचाने का और राष्ट्र की गरिमा को और पूरे विश्व में ऊंचा रखने का, उसी शपथ निमित्त हम काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। डॉक्टर नंदीग्रेस इंग्लिश स्कूल, यहाँ क्लास प्री नर्सरी से 8 क्लास तक इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर आधारित, साथ ही CCTV कैमरा की निगरानी में बच्चे, आरओ की पानी की सुविधा, ड्राइंग रूम, योगा क्लास, डांस क्लास, स्पोर्ट्स सेमिनार, स्पीच एवं साइंस लैब रूम। नामांकन शुरू है तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर नंदीग्रेस इंग्लिश स्कूल। पता सरयां, वार्ड नंबर 13, कालिस्तान रोड, शाही गैस एजेंसी के पास, गोपालगंज। जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ।